दही तो हो गया, शुगर शरण अमृत हो जाए। तुम यहाँ क्यों आए? एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा घर है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, हु आर यू टू क्वेश्चन मी? मैं इस घर की कुछ तो लगती हूँ, लेकिन मैं जहां पे जाती हूँ तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो? प्लीज पलकी, मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं होता, तुम हमेशा आगे आगे होती हो और मैं अपने काम करते रहता हूँ। एंड राइट नाउ आई एम हियर फॉर अ पेपर टॉवल, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद इट? अब मांगा है, देना तो पड़ेगा ही। ये लो, अब प्लीज जाओ यहां से। थैंक्स। ये शौर्य अभी ना बहुत अजीब बिहेव करता है। बल्कि शौर्य ऐसा ही है, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने आ जाता है, पता नहीं, और हर रंग उसका नजर आ जाता है मुझे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसकी नजर न लग जाए मुझ पे। बल्कि कम ऑन यार, शौर्य भी कोई डिस्कस करने वाली चीज है क्या? अभी ना हम सिर्फ पूजा पे फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो दूसरा कुछ नहीं सोचते। हाँ, जब भगवान के बारे में सोचते हैं तब शैतान के बारे में नहीं सोचते। क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं, मैंने सुना, बल्कि शौर्य शैतान नहीं है, वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि चरणामृत बन गया? हाँ बन गया। तो फिर चलो पूजा में चलते हैं। पलकि, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? राजवीर, तुम उल्टे सीधे तो नहीं निकलोगे ना? उल्टे सीधे नहीं निकलोगे मतलब? नहीं मतलब तुम अच्छे हो, इनफैक्ट तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मच्योर हो। तो वो होता है ना कि आजकल लोग जो ज़्यादा स्मार्ट होते, अच्छे होते, सीधे साधे होते, वो बाद में जाके ना टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। समझ गया तुम क्या बोल रही हो, शौर्य के जैसे, राइट? तुमने उसका नाम क्यों लिया? मैं उसके बारे में बात करना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसा होता है, जो लोग शुरू शुरू में सीधे साधे रहते हैं बाद में जाके वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और शौर्य उसका तो, उसके साथ तो मैं किसी और का कंपेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। वो मतलब वो कितना ज्यादा रूड है। श्रुड़िया, तुम कितने अच्छे हो, आई मीन यू आर वेरी गुड।